हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारा ने। तो मैं रश्मि मलिक यूपी शामली से आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सब लोगों की दिवाली बहुत अच्छे से बनी होगी। तो मैंने शायद कल वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि कल मुझे फीवर हो गया था, तो कल मैंने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि तबीयत ख़राब चल हो गई थी, फीवर हो गया था और आज भी थोड़ी तबीयत ख़राब है। लेकिन जो अपना काम है वो तो काम तो करना ही है, काम करने कौन आएगा, तो इसलिए मैंने वीडियो आज बना दी। और जैसे आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा कि मैं यूट्यूब छोड़ रही हूँ, तो वो क्यों छोड़ रही हूँ, क्या रीज़न है, क्या बात है, छोड़ रही हूँ नहीं छोड़ रही हूँ, वो आगे आप वीडियो में देखना। सबसे पहली बात देखो, जो लोग मुझे समझते हैं और जो लोग मेरे अपने सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, उन लोगों को ये थंबनेल देखकर दुख हुआ होगा, लेकिन जो चिढ़ते हैं उन्हें बड़ी खुशी हुई होगी, उनके कलेजे को बड़ी ठंडक पड़ी होगी। चलो हमारी पोल खोलने वाली हट जाएगी अब, ठीक है, क्योंकि मैं लोगों की पोल बहुत जल्दी खोलती हूँ। जो लोग झूठ बोलते हैं ना, खास तौर पर उनकी, क्योंकि उनका कैमरा ऑन कुछ और होते हैं, कैमरा ऑफ रहते हैं। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के अलग अलग होते हैं, तो वो वाली कहावत है। तो कुछ लोगों को रिलैक्स मिला होगा, चलो दिवाली पर एक गिफ्ट तो मिला, इसने अपना यूट्यूब खुद ही मना कर दिया कि मैं खुद ही छोड़ रही हूँ, ठीक है। तो कुछ लोगों को ना बहुत खौफ है यार मेरा, इतना मतलब मैं सोचती हूँ कि इतना खौफ मेरा खौफ इतना है लोगों के अंदर कि मेरे लिए बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं मुझे मेरे चैनल को ही ब्लॉक करके, और जब वीडियो बनाते हैं ताकि मेरे मुझे मेंशन भी करेंगे पर मेरे चैनल को ब्लॉक भी कर देंगे, ताकि मेंशन तो मुझे करें लेकिन मेरी पब्लिक तक वो पहुंच जाए लेकिन मेरे तक ना आए। क्यों? अगर मेरे तक आएगा तो भाई मुझे मालूम चलेगा, और मुझे मालूम चलेगा क्योंकि मैं हमेशा सच के लिए बोलती हूँ, हमेशा सच बोलती हूँ, उसके लिए चाहे कोई मुझे कुछ भी बोल ले, तो मैं सच के लिए बोलती हूँ। और जब कोई मेरे लिए बनाएगा वीडियो तो मैं उसके ऊपर बम फोड़ूंगी, तो इसलिए क्या करते हैं, मुझे मेंशन तो करेंगे पर मुझे ब्लॉक करने के बाद, ताकि मेरे तक वो वीडियो ना आए और वो वीडियो डाल भी दे। लेकिन उन लोगों के पास जो ये है ना, ये थोड़ा कम है, उनको ये नहीं पता कि किसी की भी एक आईडी नहीं होती है, और कोई भी सिर्फ ये नहीं कि मैंने अगर एक ही चैनल बना रखा है परी व्लॉग तो मैं उसी से आऊंगी, मेरे फ़ोन में और भी आईडी है, मैं उससे भी आ सकती हूँ, और जब मुझे तुम मेंशन करोगे तो मेरे पास अपने आप ही ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। और जिसने भी ये बनाई है ना, उसके अंदर खौफ पता कितना है मेरा, मुझे ब्लॉक करने के बाद मेरे लिए वीडियो बनाई है, वो बताऊँ क्यों? क्योंकि मैंने बोला था कि अगर ये बंद नहीं होगा तो जो मैं करूँगी ना, फिर शायद तुम वो बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, तो इसे सोचा कि हम डालते भी रहते हैं, इसको पता भी नहीं चलेगा, पर तुम्हारे पास ये जो है ना, ये कम है, ठीक है। बात तो रही 1% की, और अब बात करते हैं दूसरे की। जो लोग ये बोलते हैं ना, मैं फिर बोलती हूँ, अपनी जो मानसिकता है ना उसे चेंज करो। जो ये बोलते हैं ना कि हमारा उत्तराखंड, तो उत्तराखंड तुम्हारा नहीं है, ठीक है, तुमने नहीं बनाया उत्तराखंड को, तुम्हारा नहीं है उत्तराखंड। हम कभी नहीं बोलते कि हमारा यूपी या हमारा हरियाणा, नहीं, वी आर इंडियन, और जितने भी स्टेट हैं वो सब हमारे अपने हैं, सिर्फ एक यूपी हमारा नहीं है या हरियाणा ही हमारा नहीं है, यूपी, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड सब हमारे हैं, क्योंकि वी आर इंडियन, और ये सारे स्टेट्स हमारे ही देश में आते हैं, और हम भारतीय हैं, भारत देश है हम, ठीक है। तो ये जो कहते हैं ना, ये अपनी मेंटलिटी थोड़ी सी चेंज कर लो कि हमारा उत्तराखंड, उत्तराखंड तुम्हारा ही नहीं है, उत्तराखंड हमारा भी है, हम सबका है, जितने भारतवासी है ना हर किसी का उत्तराखंड है, उत्तराखंड सिर्फ तुम्हारा ही नहीं है, ठीक है। तो ये अपनी जो मेंटलिटी है ना थोड़ी चेंज कर लो, तो उसके लिए तुम्हें बेहतर होगा। वो वाला काम मत करो कि ये हमारा, अपने ही विचारधारा चेंज करो, अपने ही
कारण तुम अपने देश को बांट रहे हो, अपने ही देश को बांटने चक्कर में लग रहे हो, ये हमारा उत्तराखंड है, ये हमारा उत्तराखंड है। हमने तो कभी नहीं बोला कि ये हमारा यूपी है, ये हमारा हरियाणा है। हमने बोला जो जितने भी स्टेट्स हैं सब हमारे हैं और वी आर इंडियन। तो आई एम सो प्राउड कि मैं इंडियन हूँ और जितने भी स्टेट हैं 28 स्टेट्स जो हैं हमारे देश के अंदर, भारत के अंदर, वो सब हमारे अपने हैं। ठीक है, तो ये जो मेंटलिटी ना छोटी सोच, ये उन लोगों की होती है जिनकी छोटी सोच होती है। ठीक है, तो अपनी छोटी सोच को ना चेंज कर लो। और जो लोग बोलते हैं ना कि सिर्फ हरियाणा हमारे साथ ही उत्तराखंड के ऊपर वीडियो बनाती है यूट्यूबर्स और ट्रोल करती है, तो पहले अच्छे से चैनल चेक कर लिया जाए और उसके बाद फिर बोले। ठीक है, और वो मेरी मर्जी है, मैं उत्तराखंड के ऊपर बनाऊँ, यूपी के ऊपर बनाऊँ, चाहे हरियाणा में बनाऊँ, मैं किसी की भी बना सकती हूँ। मेरे ऊपर कोई बैन नहीं है तुम लोगों का कि मुझे सिर्फ यूपी की ही वीडियो बनानी है अगर मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ तो। ठीक है, तुम लोगों का ना तो कोई बैन है और ना तो मेरे ऊपर कोई बैन लगा सकते हो कि मैं सिर्फ यूपी की ही वीडियो बनाऊँ। इसलिए अपनी मेंटलिटी चेंज करो, जिसके ऊपर मेरा मन करेगा मैं उसके ऊपर रिएक्शन दे सकती हूँ। ठीक है, और ना ही कि यूट्यूब के रूल्स हैं कि मैं यूपी में रहती हूँ तो यूपी की वीडियो बनाऊंगी, या मैं हरियाणा में रहती हूँ तो सिर्फ हरियाणा की वीडियो बनाऊंगी। मेरे चैनल की स्टार्टिंग ही हरियाणा से हुई है। पहले अच्छे से वीडियो देख लेना कि सिर्फ मेरे वीडियो में ओनली उत्तराखंड ही है या फिर यूपी, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हर किसी चीज़ की, हर स्टेट की वीडियो पड़ी है। ठीक है, क्योंकि तुम जैसे लोगों की छोटी सोच है कि हमारा उत्तराखंड हमारे लिए सब हमारे हैं, कोई भी आप आओ यूपी में, आप लोगों का मोस्ट वेलकम है। ठीक है, और जो लोग सोचते हैं ना कि अब उन लोगों को मतलब कहते हैं कि मैं हाँ मतलब मेरे से इतना डर रहे हैं यार, मेरे से इतना खौफ है मेरा कि मतलब मुझ पर प्रेशर डालकर ही चाहते हैं कि मैं यूट्यूब छोड़ दूँ। तो लेकिन एक बात अच्छे से ध्यान रख लेना, मैं यूट्यूब नहीं छोड़ूंगी। तुम चाहे कितनी कोशिश कर लो, कितनी कोशिश कर लो, मैं यूट्यूब नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, ये जो मैंने थंबनेल लगाया, ये तुम जैसे लोगों को कुछ देर की, कुछ सेकंड की खुशी देने के लिए लगा था कि तुम लोग खुश हो जाओ कि चलो दिवाली पे भी हो जाए, दिवाली पे चलो अपने हेटर्स को कुछ गिफ्ट दे ही देते हैं, तो इससे अच्छा गिफ्ट क्या होगा उनके लिए कि मैं यूट्यूब छोड़ रही हूँ तो पूरे राजी हो जाएंगे इस चीज़ में। लेकिन नहीं, ये अपनी तुम्हारी गलत फहमी है, अपनी गलत फहमी निकाल फेंको। तुम चाहे मुझ पर कितना प्रेशर डाल लो, मेरे ऊपर कुछ भी कर लो, कितने ही गलत कमेंट कर लो, कुछ भी गलत बोल लो, लेकिन मुझे पता है, मेरे भगवान को पता है, मेरे घर वालों को पता है कि मैं ठीक हूँ, और जो मेरे अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता है मैं ठीक हूँ, मैं ठीक बोलती हूँ, तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तुम कुछ भी कर लो, तुम दो चार के चक्कर में मैं अपना यूट्यूब चैनल नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, तुम जैसे लोग ना मेरे लिए एग्जिट ही नहीं करते हो, तुम जैसे लोगों को मैं कमेंट ना उठा के ऐसे और फेंक देती हूँ पहाड़ में, जैसे दूध में से मक्खी को निकाल के फेंक देते हैं, ऐसे तुम लोगों को फेंक देती हूँ। ठीक है, तो मेरे लिए तुम एग्जिट ही नहीं करते हो। और जो मेरी अच्छी फैमिली है, मेरे अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं, मैं हर किसी के कमेंट का जवाब देती हूँ और हर किसी कमेंट को लाइक करती हूँ, हर किसी कमेंट का रिप्लाई देती हूँ। ठीक है, और ये वो ही लोग हैं जिनकी बेचारों की मानसिकता की बीमारी है, इन्हें अपना इलाज कराना चाहिए। ये एक हिंदुस्तान में रहते हैं, उसके बावजूद भी अपने हिंदुस्तान को ही बांटने के चक्कर में लगे पड़े हैं। तो ये उन जैसे लोगों की छोटी सोच की छोटी मेंटेलिटी है, तो इस चीज़ से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, क्योंकि मैं जो करती हूँ ना, जो बोलती हूँ बिल्कुल सही बोलती हूँ। पता है कुछ लोगों की मेंटेलिटी कैसी होती जा रही है, मैं बार-बार बोलती हूँ, थंबनेल हमें अट्रैक्टिव लगाना पड़ता है, क्योंकि अगर थंबनेल हमें अट्रैक्टिव नहीं लगाएंगे तो लोग देखेंगे कैसे। और लोग क्या करते हैं, मैंने थंबनेल में कुछ और लगाया, जैसे मैं अभी बताती हूँ कुछ टाइम बच्चों जो वीडियो आई, फिर कहोगे आप दोबारा रिपीट कर रहे हो, पर मुझे रिपीट करना पड़ रहा है, मजबूर कराया लोगों ने रिपीट करने के लिए। मैंने जो तारा ने वीडियो लगाई थी हमने वो वाली अपनी करवा चौथ वाली, उस पर जो कमेंट आया था उसके हस्बैंड के लिए, उस कमेंट का आप लोग बताना जिसने वीडियो देखी है, क्या मैंने उसमें गलत एक्शन लिया था उसके खिलाफ, जिसने गलत कमेंट किया क्या मैंने उसको गलत जवाब नहीं दिया था। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि वो ही वीडियो लगा के सॉरी लोगों ने क्या करा, उस वीडियो को उठा के लगाया अपने चैनल पे, उसके बाद क्या बोला कि इसने करवा चौथ वाले दिन भी नहीं छोड़ा, इसका पति देख रहा होगा तो क्या सोच रहा होगा, अरे उसका पति देख रहा होगा ना तो ये सोच रहा होगा मेरी वाइफ ने स्टैंड नहीं लिया मेरे लिए, उसने ऐसा कमेंट किया, बल्कि उस
जिसको लोग तारा का हेटर मानते हैं, उसने एक्शन लिया इस कमेंट के खिलाफ कि इसकी वाइफ की कोई किसी की हस्बैंड को करवा चौथ वाले दिन ये वर्ड कैसे बोल सकता है। इसका स्टैंड मैंने लिया, ठीक है, मैंने सपोर्ट किया, मैंने बोला उस सब्सक्राइबर्स को, जबकि मेरा सब्सक्राइबर है वो, मेरी वीडियो पर हमेशा अच्छे कमेंट करती है वो लड़की, ठीक है, मेरी सब्सक्राइबर है वो, लेकिन फिर भी मैं चाहती तो उसको और बढ़ावा दे सकती थी, लेकिन नहीं, मैंने उसके खिलाफ जाकर अपने वीडियो बनाई कि किसी के हस्बैंड को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। और लोगों ने क्या करा, उसका गलत मतलब निकाल कर अपनी वीडियो पर चिपका दिया कुछ भी करके, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ऊपर वाला देख रहा है, और ऊपर वाला देख रहा है हम सब कुछ छिपा सकते हैं कि हमने छिपा दिया, किसने देखा नहीं, लेकिन वो सब देखता है और उसके घर देर है, अंधेर नहीं है। तो इसलिए मैं कभी भी नहीं डरती हूँ तुम लोगों जैसे उसे, क्योंकि मैं हमेशा सच का साथ देती हूँ और मेरे भगवान को पता है कि मैं क्या गलत कर रही हूँ, क्या सही कर रही हूँ, ठीक है। तो मुझे तुम जैसे लोगों से डर नहीं लगता, मुझे सिर्फ उससे डर लगता है, और उसके लिए मैं हमेशा सच का साथ देती हूँ, इसलिए ताकि उसके पास जाके जवाब देना है कि तुमने ये ऐसा क्यों किया। बाकी तुम जैसे लोगों को जवाब देने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना तुम जैसे लोगों को मैं एग्जिट करती हूँ और ना तुम जैसे लोगों को मैं जवाब देना जरूरी समझती हूँ, ठीक है। जहाँ गलत होगा कोई, मैं वहां उसके खिलाफ एक्शन लूंगी, ठीक है। और ये दिमाग अपने दिमाग से निकाल दो कि मेरे पास वीडियो नहीं है, ये नहीं है, मेरे पास हर वीडियो है, हर कमेंट का है, कमेंट है, हर स्क्रीनशॉट है, लेकिन मैं तुम जैसे जरा छोटी सोच की नहीं हूँ, ठीक है। तो अपनी सोच अपने पास रखो और अपने तक ही सीमित रखो, वही बेटर है, ठीक है। मेरे मैं जवाब नहीं देती दे रही हूँ इसलिए चुप बैठी हूँ, इसका नाजायज फायदा मत उठाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए पूरी पब्लिक इकट्ठी हो सकती है, तुम्हें पूरी यूनिट की जरूरत पड़ती है, पर मैं तुम सबके लिए अकेली ही बहुत हूँ, मुझे किसी यूनिट की या किसी की जरूरत नहीं है। तो इस वीडियो करते यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपके अच्छी से नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, और चैनल पर न्यू आते हैं चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और जो लोग खुश हो गए थे मेरा थंबनेल देखकर कि चलो ये यूट्यूब से जा रही है, तो वो अब बैठकर एक कोने में रो लो, क्योंकि मैं यूट्यूब से नहीं जा रही हूँ।